एक्चुअली जो है वो गर्मियाँ शुरू हो गई और मेरे घर पे जो बिजली का लोड है, इलेक्ट्रिसिटी का, वो लगभग है अराउंड 4 किलोवाट का कनेक्शन है और लोड आता है लगभग 7 से 8 किलोवाट। तो इस बार जो है वो दो एसी और बढ़ेंगे। एक्चुअली एक पापा जी का और मेरा ऑफिस जो है वो नीचे बन रहा है, तो उसके लिए भी एक एसी चाहिए होगा और दो नए रूम बने हैं तो उनमें भी एसी लगेगा, तो लगभग 4 एसी हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है वो लोड लगभग 10 किलोवाट का हो जाएगा। तो मुझे 3 फेज़ कनेक्शन करवाना है और लोड बढ़वाने के लिए मैं अभी जो है ऑफिस जा रहा हूँ, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लिए हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सीधे मैं अभी जा रहा हूँ सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस और वहाँ से जो है वो लोड बढ़ाने का क्या प्रोसेस है पता करता हूँ, कोई एप्लीकेशन वगैरह देता हूँ। और उसके बाद में आज जो है वो काफ़ी सारे काम है और लगभग 4-5 दिन से ब्लॉग नहीं आ पाया। उसकी वजह ये रही कि सनाया और अनी जो है वो लखनऊ में है और मैं जो है वो कोर्ट में थोड़ा सा बिजी था। तो आज जो है वो सैटरडे है और कल संडे है, तो 2 दिन जो है वो कंटिन्यू ब्लॉग आएगा। उसके बाद में टाइम मिलता है तो बिल्कुल ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है यही वाला है पावर हाउस। और इधर आप देखिए, ये जो है एक हाईवे जो है वो निकाला जा रहा है इधर, और सामने ये बनना है ओवर ब्रिज। एक्चुअली जो है वो इधर सामने से ये इधर जो सीधे सीधे एक रोड गई है, ये जो है NH24 था। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये आगे एक रेलवे का पुल पड़ता है, तो वहाँ पे जो है काफ़ी जाम वगैरह लगी रहती थी, तो इसीलिए जो है वो एक इधर से नया ओवरब्रिज बन रहा है, क्योंकि इधर सामने से भी रेलवे की क्रॉसिंग है, इसीलिए जो है इसके ऊपर से ओवरब्रिज बना के और जो है इसे नेशनल हाईवे को चालू किया जा रहा है। वरना काफ़ी यहाँ पर इस एरिया में जो है वो जाम वगैरह लगा रहता था, शायद अब जाम से जो है वो निजात मिल जाएगी। यहाँ पर जो है पावर हाउस में बताया है कि जो है यहाँ से लोड नहीं जो है बढ़ पाएगा, तो उन्होंने दूसरा पावर हाउस बताया है, पास में ही है इधर साइड, पीछे साइड में रौजा पावर हाउस। तो हम लोग जो है रौजा पावर हाउस पहले जाएंगे, फिर वहीं पर मैं देखता हूँ क्या होता है। तो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है और मैं यहाँ घर आ गया हूँ वापस। वहाँ पे टाइम दिया है, उन्होंने कहा है कि 4 से 5 दिन जो है वो लग जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या, पावर हाउस में आज सुबह आग लग गई थी, तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी नुकसान हो गया और उस एरिया की जो है वो लाइट उस वजह से जो है थोड़ी सी बाधित हो गई है। तो बाकी लोग वहाँ पे जो है वो इसीलिए लगे हुए हैं लाइट ठीक करने में। तो बोला गया है कि 4-5 दिन में आपका जो है वो लोड बढ़ जाएगा। तो इसी एरिया में जो ये सामने वाला था एरिया, ये पूरा इसी में ही जो है वो नया ऑफिस बनेगा। और इसमें यहाँ पे एक्चुअली टीन वगैरह पड़ी थी पहले, उसे हटा दिया गया है। पापा जी की फाइल्स वगैरह रहेंगी, मेरी फाइल्स वगैरह रहेंगी, मतलब कोर्ट वाला ऑफिस होगा, जो भी कोर्ट से रिलेटेड काम है वो यहाँ पे जो है वो हुआ करेगा। ये मेरी बाइक है, ये जो है 2002 मॉडल है और पापा जी ने इसे बेचा नहीं है, काफ़ी पुरानी गाड़ी है, अभी ये चलती नहीं है, बस खड़ी रहती है यहीं पर। ये पापा जी की प्रिय बाइक थी, तो इसीलिए इसे जो है वो नहीं हटाया है और यहीं पे जो है वो खड़ी है। अब इसे जो है यहाँ पे ऑफिस बनेगा, तो इसे जो है दूसरी जगह हम लोग शिफ्ट कर देंगे कहीं। पहले इस बाइक को जो है वो पापा जी चलाते थे, उसके बाद में जब फिर उन्होंने दूसरी बाइक ले ली थी, फिर मैं इस बाइक से जो है वो कॉलेज वगैरह जाता था। मैंने भी इसे काफ़ी दिन चलाया है और इसे थोड़ा सा मॉडिफाई वगैरह कराया था, इसका ये हैंडल है इसे मैंने चेंज करवाया था। अब तो ये पूरी तरीके से जो है वो ख़राब हो गई है, और बट ये इसे अभी यहीं पे खड़ी रहती है, इसे जो है इसे शिफ्ट कर देंगे, इसे कहीं दूसरी जगह जो है वो खड़ा कर दिया जाएगा। तो लंच का टाइम हो गया, सबसे पहले जो है वो सैलेड को फिनिश करते हैं, थोड़ा सा नींबू डालते हैं सबसे पहले। बिना नींबू के मुझे जो है सैलेड खाने में उतना मज़ा नहीं आता है, तो सबसे पहले जाएगा इसमें लेमन, इसके बाद में सॉल्ट थोड़ा सा यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ही डालना है। और सैलेड डन हो गया है, फटाफट फिनिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आज लंच में क्या बना है। मैंने जो है वो लंच करने के लिए लगा ली है, मैंने लिया है थोड़ा सा राइस, ये है थोड़ा सा दही और पनीर भी थोड़ा सा ही है, ये रही दाल और ये है लौकी की सब्ज़ी, साथ में थोड़ी सी हरे धनिए की चटनी है और मेरा फेवरेट पापड़। पापड़ के बिना जो है भाई मेरा लंच जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। अभी बाहर जो है वो काफ़ी धूप है, टाइम कितना हुआ देखते हैं एक बार, लगभग पूरे 5 बज गए हैं और जो है मैं नहा के रेडी हो गया हूँ। एक्चुअली जो है वो मेरे मौसा जी को एक मकान बनवाना है, अभी न्यू हाउस जो है वो बनवाना है, तो उसके लिए जो है मैप वगैरह बनवाने के लिए मैं जा रहा हूँ।
और देखते हैं किसी से मिलते हैं, कोई अच्छा जो मैप बना लेगा उससे जो है मैप बनवाएंगे। और बाहर जो है अभी भी काफ़ी धूप है, शाम हो गई है, लगभग 5 बज गए हैं, फिर भी काफ़ी धूप है और बाहर जाने का बिल्कुल मूड तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो है वो बाहर जाना ही पड़ेगा। बेटू इधर आओ। आ पापा, आज भाई सनाया की जो है तबीयत खराब है, तो अभी जो है वो सनाया से बात हो रही थी। और एक्चुअली आज जो है सनाया को वैक्सीन लगी, जो बच्चों को लगती है वही वाली, COVID-19 की अभी नहीं लगी है। तो आज जो है हल्का सा फीवर उन्हें आ गया था। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी वैक्सीन लगती है थोड़ा सा फीवर आ जाता है, तो इसीलिए जो है आज थोड़ी सी परेशान लग रही थी, अभी मैंने कॉल की। तो आई होप कल तक जो है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगी। जब भी इन्हें वैक्सीन कोई भी लगती है तो 1-2 दिन तो थोड़ा सा फीवर वगैरह रखता है, थोड़ी सी परेशान रहती है, बस 2-3 दिन में सब नॉर्मल हो जाता है। तो बस फटाफट सही हो जाए बच्चा। खीरा ले लिए, खीरा मिले मात्र 5 रुपए पर केजी, बहुत सस्ता हो गया भाई खीरा आजकल। तो घर पहुंचने में अभी जो है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं था, बट जो भी है थोड़ा सा देख लीजिएगा। और अगर ब्लॉग छोटा रहा तो मैं जो लखनऊ से जब वापस आ रहा था तो बीच की कुछ क्लिप्स हैं सनाया की हैं, तो अगर आपको मूड हो तो देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं एंड, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए। और मैं जा रहा हूँ अब हरदोई कोर्ट के लिए, शनाया यहीं रहेंगी लखनऊ में अभी थोड़े दिन। बेटा आपको बहुत मिस करेंगे हम, पता है आपको? आप मुझे मिस करोगी नहीं करोगी बताइए, पहले बताओ मिस करोगी, चले जाए हम। तो सनाया यहीं रुकेंगे अभी थोड़े दिन लखनऊ, और मैं रहूंगा हरदोई में तब तक, और फिर एक दिन आएंगे इन्हें लेने जल्दी। तो फटाफट जो है मैं नहा लेता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और निकलता हूँ जल्दी से यहाँ से। मेरा सैलेड क्या क्या पापा मुझे दे दो, एक खा लूँ मैं फटाफट फिनिश कर दूँ। जाओ मौसी जी के पास जाओ, नहीं जाओगे? थोड़ा जल्दी खाना निकालो यार, टाइम हो गया काफी। नहीं अरे इतने राइस नहीं खाऊंगा मैं, इसके आधे करो। ठीक है कर देना, सब्जी बता देना। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और सनाया रो रही है इस वजह से। पापा से बाय कर लो, बाय, चले जाए। ठीक है आइए भाई। बाय बेटू, वो तो देख ही नहीं रही। तो टैंक जो है वो फुल करा लिया है गाड़ी का, और अब चलते हैं फटाफट, पहुंचते हैं हरदोई, टाइम भी काफी हो गया, जल्दी पहुंचना है।